राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको पता है, मैं एक और अब इस चैनल पे अपडेट डालने लगा हूँ रिगार्डिंग जो भी हरियाणा में कुछ स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी निकलती है, तो उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू कब है, और मैं इस चैनल पर वो अपडेट करता हूँ डेली, कौन से स्कूल में है, किस शहर में है। तो आप वो अपडेट देख लीजिए अगर, और जिसको अच्छा लगे वो लाइक करके आगे पास ऑन शेयर कर दीजिए करें। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया, जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीकॉम पीजी के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए अच्छी खबरी है, अच्छी खुशखबरी है। तो देखते हैं किन किन के लिए डेट बढ़ाई गई है, एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो बीए पार्ट सेकेंड, बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड है यहाँ पे, एंड पीजी कोर्सेज के पार्ट सेकंड के लिए फॉर अप्रैल एंड जून सेशन। सो इनके लिए 15 अप्रैल लास्ट डेट कर दी गई है, बट फीस है जो नॉर्मल फीस है, जो आपकी जेन्युइन फीस लगती है वही लगेगी, यहाँ पे लेट फीस आपकी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना बात। तो एक बार डेट बढ़ गई है, आप फिर दोबारा से, और जिनका बी ए पार्ट फर्स्ट में, बी कॉम पार्ट फर्स्ट में आर एल ए आया है, तो मैंने बोला है जिनका आर एल ए ठीक हो गया है तो वो आप अपना रिजल्ट लगा सकते हो, डी एम सी लगा सकते हो। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स का अभी तक आर एल ए ठीक नहीं हुआ है तो वो अपना आर एल ए वाला ही रिजल्ट वहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेट फीस देख सकते हो आप किन की हुई है, बी ए पार्ट फर्स्ट एंड बी ए पार्ट थर्ड, बी कॉम पार्ट फर्स्ट, पी जी कोर्सेज के और पार्ट फर्स्ट की। सो यहाँ पे डेट धीरे धीरे बढ़ती गई है, आप देख सकते हो 220 से और 221, और लास्ट डेट है 15 अप्रैल, बट आपकी 2000 फीट है जो लेट यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद ये धीरे धीरे डेट बढ़ती जा रही है, पता नहीं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, इसके बाद डेट बढ़े या ना बढ़े फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इंक्वायरी है काइंडली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चार नंबर लिखे हुए हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और ये काइंडली सबमिट नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सबमिट करा सकते हो जो भी हार्ड कॉपी आप को मिलेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार फिर से अच्छा मौका है आपके लिए, बीए पार्ट सेकंड और बीकॉम और पीजी के सेकंड और बीकॉम के थर्ड ईयर के लिए, कि आपकी जो फीस है विद नॉर्मल फीस के साथ आपको फॉर्म फिल करना है, आपकी फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी किसी को डाउट है तो। और बी एड की बात की जाए, बी एड के भी जिनकी सप्ली है वो यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि फॉर्म फिल ऑफलाइन भी हो रहे हैं, यहाँ पे बी एड का कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप ऑफलाइन फॉर्म अपना सप्ली का, फर्स्ट ईयर का हो या आपका सेकेंड ईयर का हो, वो आप फिल कर सकते हो यूनिवर्सिटी जाके, क्योंकि बुक सेलर को भी बीएड के बारे में अभी इतना पता नहीं है, और ऑनलाइन फॉर्म है जो बीएड के, आई थिंक वो फिल नहीं हो रहे हैं मुझे लगता है जहाँ तक की, तो आप यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से बीएड का फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। धन्यवाद।